नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालने उससे पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ आप लिंक तक पहुँच कर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की, कनिष्ठा उंगली, और यहाँ से देखने में लग रहा है कि ये उंगली वहाँ तक नहीं पहुँची, सूर्य के पहले पर्व तक। जब सूर्य के पहले पर्व तक उंगली नहीं पहुँचती है तो सही निर्णय न लेने के समय के कारण जीवन में व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर टावर देखने में सही है, यानी बुद्धि या याददाश्त की कमी किसी भी प्रकार की आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, लेकिन बड़े फैसलों के रूप में आपको जीवन में जरूर बड़ों से घर के से सलाह लेना चाहिए। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी उंगली है आपकी। आप आत्मा से सच्चे हैं, मन क्रम से वचन से आप बहुत शुद्ध व्यक्ति हैं। साथ ही साथ ये इस तरह का जब गैप होता है तो व्यक्ति कुछ भी कारण क्यों ना हो, उस कारण की वजह से व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, उनसे दूर रहता है। साथ ही साथ अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें कुछ विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है, तो इनमें से कोई सी स्थिति का या के रूप में। अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली और कुल मिलाकर के टेढ़े मेढ़े रूप से जाकर के शनि की उंगली ये जा रही है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो जीवन में शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी, महादशा, अंतरदशा व्यक्ति के लिए धन के रूप से अच्छी नहीं रहती हैं, स्वास्थ्य के रूप से अच्छी नहीं रहती हैं। बात करें आपके बृहस्पति पर्व की, बृहस्पति पर्व की उंगली और बृहस्पति पर्व की उंगली जो है ये अपने आप में यहाँ पर खड़ी हुई है, जो धन के लिए आकर्षित होने वाले व्यक्ति की तरफ, यानी कि धन कमाने के लिए व्यक्ति सही मार्ग को चुन करके उत्तम मार्गों से धन कमाता है। परंतु बीच के बीच का ये जो मैंने गैप बताया, इस पर मैंने जीरो घुमाया है, ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जो भी धन कमाता है बस धन आया और धन गया, तो उसका इन्वेस्टमेंट धन का लगातार व्यक्ति के पास बना रहता है, यानी वो संतुष्ट नहीं हो पाता धन की तरफ से। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्व की। टावर के बाद बुध पर्व की ये रेखा कुल मिलाकर के अच्छी रेखा आपके पास में। बुद्धि क्षमता के हिसाब से मैं देखूं तो कुल मिलाकर पर्वत भी अनुकूल है और साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग को दिलाने वाला ये यहाँ पर पर्वत आपका अनुकूल पर्वत है। तो कुल मिलाकर के ये पर्वत के बाद अच्छी पावर मिली, जो आपके पास धन के आगमन किसी न किसी रूप में बनाए रहते हैं, चाहे वो थोड़े हैं या कम है। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व पर किसी भी प्रकार का इस तरह का इंडिकेशंस नहीं मिला मुझे जो मैं ये कह सकूं कि राज्य सरकार से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, तो व्यक्ति अपने जो है परिवार के साथ में सहयोग उच्च स्तर का नहीं कर पाता है, साथ ही साथ वो जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए तरसता रह जाता है। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व की। ये शनि पर्व और शनि पर्व पर ये जाने वाली रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखा यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये बताती हैं कि जीवन में 55 वर्ष के बाद आप अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे। ये इस प्रकार को दर्शाती हुई स्थिति, यानी कि कुल मिलाकर उसके बाद भी सामान्य स्थिति से धन आपके पास रहेगा। बृहस्पति पर्व बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बृहस्पति पर्व भी है। जब बृहस्पति पर्व इतना सुंदर होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में एक मकान अवश्य भर बना जाता है। साथ ही साथ एक और इंडिकेशन मिलता है संतान के सुख सहयोग का। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर हम आपकी विवाह रेखा, विवाह रेखा के साथ साथ आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा, ये हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी बहुत ही सुंदर हृदय रेखा यहाँ तक। जब इस तरीके की हृदय रेखा सिर्फ यहाँ तक पहुँचती है, कई बार उसका बृहस्पति से टच नहीं होता, तो मैंने देखा कि व्यक्ति को संतान सुख में या संतान पुत्र सुख में सहयोग नहीं मिलता है। यहाँ तक आने वाली रेखा थोड़ा सा उसका इशारा जरूर बृहस्पति पर्व की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ संतान सुख में थोड़ा सा देरी का संकेत यहाँ दर्शाती हुई ये रेखा, या तो पुत्र संतान में या संतान सुख में। तो ये यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखूँ तो पत्नी से पूरे सहयोग की रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है, तो ये सब चीज़ तो यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके इसके बाद में मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत कुल मिलाकर के मंगल पर्वत यहाँ आपका ठीक ठाक है, ज़्यादा साहसी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आप अपने आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो ज़्यादा साहसी व्यक्ति नहीं है। कोई मुकदमे झगड़े झंझटों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर मंगल पर्वत आपका दर्शा रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और बहुत ही सुंदर तरीके से बुद्धि रेखा
अपने आप में जाती हुई, यानी कुल मिलाकर के आपकी हृदय रेखा ने भी बताया आपका स्वास्थ्य अनुकूल, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी आपका मानसिक स्थिति भी आपकी अनुकूल स्थिति के अंदर दर्शित होती है। तो चलिए ये आपकी मस्तिष्क रेखा की बात होगी। अब मैं बात करूँगा आपको आपके कुछ सवालों के साथ साथ मैं बाकी की रेखाओं को बताऊँगा। तभी घर से दूर रह रहा हूँ 8 साल से। चलिए घर से दूर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। अच्छी नौकरी लगेगी या नहीं, देखिए जहाँ मैं आपकी भाग्य रेखा को पढ़ता हूँ तो इसको अगर मैं कहूँ कि भाई आपके पास आप कहते हैं कि मेरे पर अच्छी नौकरी लगेगी नहीं, तो ये रेखा बताती है कि व्यक्ति के पास में धन रेखा है, यानी कि नौकरी लगातार बनी रहेगी, ये तो दर्शाने वाली ये स्थिति है। बहुत अच्छी धन की स्थिति के लिए जो सिंबल्स होते हैं वो तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगातार नौकरी आपकी बनी रहेगी इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा है। अब यहाँ पर अगर कुल मिला के तो आपके पास नौकरी का योग तो लगातार है, ये तो दिखता है। अच्छी की बात जहाँ तक आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली स्थिति को अभी पढ़ता हूँ मैं आपको। देखिए आपके 34वें वर्ष पे एक भाग्य रेखा ने यहाँ पर काटा है, ये रेखा ने यहाँ से काटा है, और 34 वर्ष के बाद आप 34 में मुझसे बात कर रहे हैं, तो 34 के बाद यानी कि अब आपके जीवन में 35 वर्ष से लेकर के और आपके 60वें वर्ष तक आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आपके सब कार्य आपके सही रूप से संपन्न हो जाएंगे। तो बस दशा समझ लीजिए आपके पास अनुकूल आ गई है। आपने कहा व्यापार करूं या ना करूं एवं कौन सा, बिल्कुल इस बात को मैं भी लगातार देख रहा हूं कि आपके पास व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा अभी कुछ मंद रूप में है और ये बागे आगे भी जो टावर अच्छा था, तो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ व्यापारिक रेखा तो मौजूद है। कौन सा व्यापार बनेगा इसको मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ। सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट नीचे से रेखा का जाकर के इस तरीके से है, तो ये दर्शा रहा है यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा आपके अन्य रेखाओं के बारे में। तो भाग्य रेखा मैंने आपकी बता दी, मस्तिष्क रेखा मैंने आपकी बता दी, अब मैं थोड़ा चंद्र पर्वत पर जाऊँगा। देखिए यहाँ चंद्र पर्वत पर ये रेखा जो है ये मानसिक चिंता की रेखा के रूप में है। यहाँ इसका कोई भी दूर के स्थान से जुड़ करके थोड़ा धन का आगमन यदि आपका है, परंतु चिंताएं आपके पास ज़्यादा दर्शाने वाली ये आपका चंद्र पर्वत है। तो ये वर्तमान में आपके चंद्र पर्वत मुझे मानसिक चिंताओं की यहाँ इस इन रेखाओं के द्वारा मानसिक चिंता मुझे थोड़ा ज़रूर दिखलाई पड़ी है। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। ये देखिए शुक्र पर्व है और सुख पर्वत जहाँ कुछ ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा की रेखा यहाँ पर नहीं है, ठीक ठाक सामान्य जीवन आपका व्यतीत हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान रेखा के बारे में। मुझको लग रहा है देखने में यहाँ छोटे छोटे से जहाँ पर दो दीप है, यानी दो संतान रेखाएँ निश्चित रूप से आपके हाथ में हैं। बाकी पता जरूर लगता है ये पत्नी के हाथ से कि जो है संतान रेखाएँ हैं, तो कितनी संतान रेखाएँ पत्नी की रेखा से पता लगती है। तो चलिए ये भी यहाँ पर संतान रेखा भी आपके पास मिल गई। अब आपने कहा कि मेरी आयु कितनी है, वो आयु बता देता हूँ पहले। आयु रेखा आपको कम क्यों नज़र आ रही है, अगर आपकी आयु रेखा करता हूँ तो ऊपर से डार्क है, नीचे आकर हल्की हो गई, और फिर यहाँ साइड से मंगल रेखाओं की सपोर्टिंग रेखा इन रेखाओं के साथ है। अंदर की तरफ से मंगल रेखाओं की सपोर्टिंग रेखा ये वाली, ये जो अंदर की सपोर्टिंग रेखा है ये आपकी आयु को बढ़ाती है। यहाँ कुल मिलाकर के देखता हूँ तो ये और भी डार्क आपके जीवन में हो जाएंगी। जैसे ही आप 50वें वर्ष में आ जाएंगे और डार्क होकर के नीचे तक मिल जाएंगी और निश्चित बनेंगी। ये हल्की हल्की जब बनती हैं तो ये पूर्ण भी बनती हैं, जो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि आप अपने जीवन में अच्छी लंबी आयु मैं समझता हूँ। अभी 75-76 वर्ष की तो मुझे चमक ही रही है, आगे भी ये बढ़ जाएगी। तो चलिए ये सब हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं आपके एक और सवाल की, व्यापार करूं या ना करूं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप व्यापार कर सकते हैं। और कौन सा व्यापार करूं, आपने पूछा कौन सा व्यापार करूं, तो चलिए मैं व्यापार के लिए बताता हूं आपको। देखिए आप यदि अगर व्यापार करना चाहते हैं तो एक तो सूर्य पर्वत आपका थोड़ा सा अनुकूल है। यहाँ अगर मैं देखो तो मंगल सम है दोनों, और चंद्र पर्वत ऊपर वाला निम्न, ये भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो सूर्य मंगल के जो वर्क हैं ये आपके काम बनते हैं जो आपको करने चाहिए और उनसे आपको तरक्की मिलेगी। अब सूर्य का काम क्या होता है,
सूर्य का काम होता अग्नि का काम, बॉयलर भट्टी लगाएं या ब्रैकरी लगाएं और ब्रैकरी से ब्रैकरी के संबंधित सामान बना करके उसकी सेल करें, या बिजली की दुकान का सामान की दुकान खोलें तो वो आपका काम बनता है। तो ये काम बने। कभी साथ ही साथ मंगल के काम होते हैं वो टेक्निकल वर्क होते हैं, यानी कि आप कोई भी ज़मीन से जैसे नर्सरी का काम कर सकते हैं, प्लॉटिंग का काम कर सकते हैं, बदरपुर रोड़ी सीमेंट की दुकान खोल सकते हैं, तो ये मंगल के कार्य होते हैं। तो इस तरह के काम जो बनते हैं इनमें से कोई सा चूज कर लीजिए, वो आपका काम, यानी अग्नि से संबंधित कार्य और मंगल से संबंधित कार्य, तो ये आपको करें, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब बात कर लें आपकी रतन की और मंत्र की। देखिए, रतन आपको जो पहनना चाहिए वो जीवन में पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि आपको संतान में पुत्र चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक रतन पहन सकते हैं। और आप उसको अभी मंत्र को मंत्र भी बता दूंगा आपको कौन सा करना है। तो एक रतन पहनना है आपको, वो पुखराज, यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। कब उपवास करूं? बिल्कुल निश्चित रूप से आप अभी जो उपवास करें उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा। तो आप बृहस्पति के ही जो है उपवास अगर आप करना चाहते हैं तो आप बृहस्पतिवार के ही उपचार करें और भगवान विष्णु से संतान में पुत्र रतन पुत्र मांगें। चलिए, आपने पूछा पुत्र योग एवं उपाय, अब मैं बताता हूँ पुत्र योग एवं उपाय। देखिए, यहाँ पर आपके हाथ से पुत्र योग संतान योग है, पुत्र योग बन जाए वो, ये मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। नंबर एक, आप गूगल पे देख सकते हैं संतान गोपाल मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम क्रीम ग्लोम देव के सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तने कृष्ण तो हम शरणगते क्लीम ओम, इस तरह करके होगा या किसी और रूप से हो, तो आपको उस मंत्र की 125,000 माला का जाप स्वयं करना है, पत्नी को भी 125,000 माला का जाप स्वयं करना है, नंबर एक। दूसरा, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ला करके घर में स्थापित करें पत्नी, और उनका स्नान ध्यान कराना साप्ताहिक रूप से या एकादशी एकादशी जैसे भी वो कर सकें, उनके वस्त्र बदलना, साथ ही साथ रोजाना दूध का, चीनी का या दूध मिश्री का नित्य भोग लगाना घर में, नित्य नए उपकवान जब भी बने, नए जो पकवान होते हैं उनका भोग भी उनको लगाना, तो उनकी स्थापना करनी है। हो सके तो खाटू श्याम जी एक बार जरूर जाएं और वहां जाकर के आप वहां से मांग करके आएं कि हे भगवान, हम आपके दर्शन फिर दोबारा करने आएंगे, आप हमारे घर में विराजें। ऐसा करें, गोवर्धन की जितनी परिक्रमा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नी दोनों मिलकर के परिक्रमा करें, और खाटू श्याम जी को भगवान वृंदावन बिहारी लाल जी को कहें कि आप हमारे यहाँ संतान रूप में, गोपाल रूप में हमारे घर में आएँ। बस इतना वर्क कीजिए, आपके यहाँ पर पुत्र संतान अवश्य होगी। आपने कहा मैं कौन से मंत्र की माला का जाप करूं, तो फिलहाल आप सिर्फ संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, और नित्य अगर आप चलते फिरते करना चाहते हैं तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे आपको सब काम आपके जीवन में सफल हो जाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।